Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Armaghan Unwala in front of you, and I wish you all a very happy Independence Day. आज की इस इंडिपेंडेंस डे के साथ मैं एक मैसेज आप लोगों को रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ. दैट इज़ कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस हम सब ने ऑब्जर्व की हुई है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ अ प्रेशर हॉर्न्स, जो बाजा आप लोग जिसे कहते हैं. पाकिस्तान इस चीज़ के लिए नहीं बना कि आप अनएथिकल वेज को यूज़ करो सेलिब्रेट करने के लिए. यू डोंट नो कि वॉट इज़ द इमेज गोइंग ऑन इंटरनेशनली, हमारे पाकिस्तान की क्या इंटरनेशनल इमेज आ रही है इस चीज़ को लेके जो प्रेशर हॉर्न यूज़ हो रहे हैं. पाकिस्तान बड़ी ही मेहनत से आज़ाद किया गया है और इसकी पीछे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं. अगर आप लोग YouTube पे सर्च करोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, हिस्ट्री को रीड करोगे तो समझ में आएगी कि कितनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान आज़ाद किया गया. और आज हम पाकिस्तान की सेलिब्रेशन किस तरीके से कर रहे हैं, प्रेशर हॉर्न यूज़ कर रहे हैं, टॉम ऑफ कायदे आज़म मदार कायद पर जाके अनएथिकल वेज हम इख्तियार कर रहे हैं, गैर अखलाकी हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है. तो प्लीज़ आज इंडिपेंडेंस डे मैं आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ, आप लोग अपने आप से वादा करो, प्रॉमिस करो कि अगर कोई इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नज़र आता है तो आप उस चीज़ को, उस बंदे को खुद अपने आप से रोको. और पहली जंग तो खुद है, जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ी जंग है. तो पहले आप खुद अपने आप से जिहाद करना शुरू करो, अपने नफ्स से जिहाद करना शुरू करो कि नहीं जी, पहले हम इस चीज़ों को प्रोहिबिटेड समझते हैं, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, उसके बाद आप आगे जाके दूसरों को इस चीज़ को मना करो. तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और एक सॉफ्ट इमेज डिलीवर करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.